Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aishi Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 7th of September 2020, and we are going to take today's The Hindu news analysis. The first news is government suspends FCRA clearance for four Christian groups. US based donor agency also under Home Minister's scandal. बेसिकली छः एन जी ओ हैं जो वर्क कर रहे हैं लाइसेंस, उनका लाइसेंस जो है वो एफ सी आर ए मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, और ऐसा इसलिए किया गया है, यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है, और इनमें से चार क्रिश्चियन एसोसिएशंस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है ये नॉन प्रॉफिट एफसीआरए, बेसिकली एन एफसीआरए लाइसेंस इज़ मैंडेटरी. एफसीआरए का जो लाइसेंस है वो मैंडेटरी है, किस लिए? उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नॉन प्रॉफिटेबल है और बाहर से फॉरेन फंडिंग के बेसिस पे चल रही है, मतलब फॉरेन से उनको फंडिंग हो रही है. ठीक है, एटलीस्ट टू यूएस बेस्ड क्रिश्चियन डोनर्स आर ऑल्सो अंडर द मिनिस्टर्स स्कैनर. दो यूएस बेस्ड क्रिश्चियन डोनर्स जो हैं उन्हें भी जो है मिनिस्ट्री के स्कैनर में रखा गया है, जो इस एनजीओ के ग्रुप हैं, ग्रुप में जो है पाए गए हैं. एंड अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, ये सारा स्टेटमेंट जो है वो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है वो एफसीआरए का लाइसेंस कैरी करने वाली जो एनजीओज है, सिक्स एनजीओज जो बाहर से फॉरेन से जो भी डोनेशंस आते हैं, चैरिटी आती है उसके बेसिस पे चल रही थी, नॉन प्रॉफिटेबल, उनके अंदर से चार क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है, क्रिश्चियन ग्रुप्स जो है, चार एनजीओज जो है उन्हें बैन कर दिया है, उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है. उसका रीज़न ये है कि कुछ इश्यूज़, कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ अंडर जो है अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं इनको पॉइंट आउट करती है. इसी के साथ में जो डोनर्स हैं यूएस के, उन्हें भी जो है सरकार ने अपनी नज़रों में रखा है. इसके आगे बेसिकली व्हाट इज़ अंडर दी लेंस, लेट्स सी. द टोटल 22,457 एनजीओज और एसोसिएशंस आर एट प्रेजेंट रजिस्टर्ड अंडर दी एफसीआरए. The license of 20,675 has been cancelled, and those of 6,702 are deemed to have expired. Basically, Sabrang Trust Trust जो है एक NGO है जो social activist तिस्ता सेतलवाद से चलता है, and lawyers collective run by noted lawyer Indira Jai Singh lost their FCRA license on 2016. Eight foreign donor came under the government watch list during the UPA regime, and 13 after the Modi government came to come power in 2014. Okay, among them are Compassion International and World Movement for Democracy. A foreign donor placed under the watch list or prior permission category cannot directly send money without the Union Home Ministry's clearance. So, जिन लोगों को, जो foreign donors हैं, जो foreign donors जो already इन NGOs में donate कर रहे थे, उन लोगों को सरकार ने अपनी नज़रों में रखा है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार से बिना पूछे, बिना यूनियन मिनिस्ट्री की क्लियरेंस के या उनसे उनसे वार्तालाप के बिना या उनसे परामर्श के बिना, वो जो है वो जो डोनर्स हैं वो सेंड नहीं कर सकते एक भी पैसा इन एनजीओस को. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. द नेक्स्ट इज DGCA moots formula on refunds for cancelled flights. बेसिकली ये पूरा जो मुद्दा है वो जो फ्लाइट्स है और फ्लाइट के कैंसिल हो जाने और उसके पैसेंजर्स को हुई जो इनकन्वीनियंस है उस पर बेस्ड है. बेसिकली पैसेंजर्स का ये कहना है कि अभी अगर इन दिनों जो भी लॉकडाउन के दौरान या उसके बाद में जो है COVID-19 पेंडेमिक के चलते जो भी हमारी टिकट्स जो है कैंसिल हुई हैं, जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, उसका पैसा हमें एज़ इट इज़ मिलना चाहिए, उसमें से किसी भी तरह का कोई पैसा कटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गलती हमारी नहीं है. अगर फ्लाइट्स कट होती है या ऐसा कोई कुछ भी होता है तो उसके रीज़न, उसका जो रीज़न है वो हम लोग नहीं हैं, इसलिए हमें हमारा पैसा पूरी तरीके से मिलना चाहिए. इन इफ़ बैलेंस इज़ कंसर्न ऑफ पैसेंजर्स
cash strapped airlines. It means air passengers have a legitimate right to get full refund for their tickets cancelled. जो cancel tickets हैं उनका full refund मिलना चाहिए due to no fault of their own during the national lockdown. नेशनल लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की कोई गलती नहीं है उसके कारण उन्हें पूरा पैसा मिलना चाहिए. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का ऐसा कहना है. एंड डायरेक्टरेट सॉरी जनरल ऑफ सिविल एविएशन मतलब DGCA को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि जो टिकट्स कैंसिल हुई है, जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, उन टिकट्स के सारा का सारा पैसा जो है वो उनके जो पैसेंजर्स हैं उन्हें रिफंड होना चाहिए. The DGCA said non-refund of fares or creation of involuntary credit shell by airlines amounts to violation of aviation law and policy. यदि आप पैसा पूरा नहीं देते हैं और उनके साथ किसी तरह का कोई गलत व्यवहार किया जाता है तो ये अपने आप में सिविल एविएशन लॉ एंड पॉलिसी के खिलाफ है. ठीक है, उनको वायलेट करता है. Including the aircraft rules of 1937, the civil aviation requirements, that is CARS, it means cars, okay? The policy of the central government is that every individual passenger has a right to seek refund of those tickets. The flight for which was cancelled without any fault of his or her. कि कोई भी पैसेंजर जो है उसकी गलती के बिना फ्लाइट कैंसिल हुई है उसमें उसका कोई रोल नहीं है. अगर वो खुद टिकट्स कैंसिल करवाता है तो ठीक है, उसके अंदर काटे जाते हैं पैसे. लेकिन यदि COVID-19 के चलते, इस पैंडेमिक के चलते अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं उन्हें पूरा पूरा पैसा वापस देना चाहिए. तो ये ऐसे कुछ आदेश दिए गए हैं और कैंसिल फ्लाइट के जो पैसे हैं वो सारे एज इट इज़ उनके पैसेंजर्स को जाने चाहिए, ऐसा DGCA का आदेश है. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया ईरान डिस्कस अफगान पीस प्रोसेस. इंडिया और ईरान के बीच में डिस्कशन हुआ जिसमें उन्होंने अफगान पीस प्रोसेस को डिस्कस किया है. बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ईरान डिस्कस्ड वेज टू टेक फॉरवर्ड बायलेटरल कोऑपरेशन. बायलेटरल कोऑपरेशन को की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए दोनों ने जो है एक्सचेंज किए हैं अपने व्यूज़ को रिगार्डिंग रीजनल सिक्योरिटी इशूज़. ओके, रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इशूज़ है उनसे रिलेटेड इशूज़ पर जो है चर्चा की गई है दोनों ही देशों के जो हम कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में. ठीक है, एंड इंक्लूडिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में शांति और स्टेबिलिटी बनाने के लिए उनकी मीटिंग के दौरान उन्होंने तेहरान से रिलेटेड टॉपिक्स को भी डिस्कस किया. तेहरान में मीटिंग हुई और उसके अंदर अफगानिस्तान के टॉपिक्स को भी डिस्कस किया गया. द डिफेंस मिनिस्टर सेड, डिफेंस मिनिस्टर ने संडे को बताया कि हमारे बीच में ऐसी वार्तालाप हुई है और हमने जो है डिस्कस किया है इन पर्टिकुलर अफगान एरिया जो है अफगान पीस अकॉर्ड के बेसिस पे. ठीक है, इन अ डिपार्चर फ्रॉम प्रोटोकॉल फॉर डिफेंस मीटिंग्स द ईरानियन साइड रेज द इशू ऑफ रिसेंट रिपोर्ट्स साइटिंग द सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया इट इज लर्नड. ऐसा जो है ये लर्न किया गया है दैट इस पूरा जो डिस्कशन हुआ है डिपार्चर के अंदर अगर बात करें, इस प्रोटोकॉल से अगर डिपार्चर की बात की जाती है तो डिफेंस मीटिंग जो हुई है उसके बेसिस पे ईरानियन साइड जो है उन्होंने अपनी इश्यूज रेज किए हैं और ऑफ रिसेंट रिपोर्ट्स रिपोर्ट साइटिंग द सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया. इंडिया में जो माइनॉरिटी है उनकी सेफ्टी को लेकर के उन्होंने कुछ मुद्दे भी उठाए जिन पर डिस्कशन हुआ. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हेल्ड बायलेटरल मीटिंग हुई उनकी ईरान के मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर के साथ में और आर्म्ड फोर्सेस के साथ में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है 5th of September को हुई है. तेहरान ऑल्सो रेज्ड सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटी से सोर्सेज से पता चला है कि तेहरान ने भी जो है सेफ्टी मेजर्स या माइनॉरिटी जो है जितनी भी उनके लिए सेफ्टी रेज करने की बात कही है. ठीक है, सो बोथ लीडर्स एम्फेसाइज्ड अपॉन द एज ओल्ड कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड सिविलाइजेशनल टाइज बिटवीन इंडिया एंड ईरान.
इंडिया और ईरान के बीच में जो है दोनों ही लीडर ने एम्फसाइज़ किया है ओल्ड कल्चर को, जो कि हमारे बीच में लिंग्विस्टिकली चला आ रहा है, एंड लिंग्विस्टिक नेचर में या सिविलाइजेशन नेचर की बात करें या फिर ओल्ड एज जो कल्चर चला आ रहा है उसकी बात करें, तो इन सब बेसिस पर जो हमारे बीच में चला आ रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, इट विल बी एम्फसाइज्ड. ओके, एंड इट वी विल वर्क ऑन इट. इट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग. एंड दोनों देशों के बीच का ये जो मीटिंग है, ये थोड़ा सा फ्रूटफुल डिस्कशन नज़र आया है इंडिया और ईरान के बीच में. द नेक्स्ट इज़ केशवानंद भारती. काफ़ी फेमस केस है केशवानंद भारती का, और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है केशवानंद भारती का केस. जो मैं आपको बता दूँ, केशवानंद भारती जी जो स्वामी जी हैं वो अभी संडे को दे पास्ड अवे. ही वॉज द सोल अन राइटिंग पिटिशनर ऑफ इन द हिस्टोरिक फंडामेंटल राइट्स केस विच prevented the nation from slipping into a totalitarian regime. Totalitarian regime में slip होने से पूरे nation को बचाने वाले ये एकमात्र person थे जिन्होंने पूरे देश को totalitarian regime के अंदर गिरने से बचाया है और fundamental rights को जो है propose किया है. ये पहले person थे जिन्होंने अधिकारों के लिए लड़ने के प्रयासों को दर्शाया था. ठीक है, केशवानंद भारती का केस काफ़ी फेमस है और उसके बेसिस पर काफ़ी जो है हम कह सकते हैं फेमस पर्सनालिटी है केशवानंद भारती. दो द जजमेंट इज़ द लैंडमार्क केस. इनका जो जजमेंट रहा इस पर्टिकुलर केशवानंद भारती जी के केस में, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहा वो काफ़ी हम कह सकते हैं एक लैंडमार्क केस के रूप में सामने आया. ही डिड नॉट विन एनी रिलीफ इन द केस. उन्हें केस में कोई रिलीफ नहीं मिला. द अमेंडमेंट्स इन द केरला लैंड रिफॉर्म लॉ विच ही हैड चैलेंज्ड वर अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1973. इट वॉज सीनियर एडवोकेट नानी पालखीवाला रिप्रेजेंटेड स्वामी जी. नानी पालखीवाला जी ने, जो कि सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने स्वामी जी को रिप्रेजेंट किया था. हु एक्सटेंडेड द एम्बिट ऑफ द केस एंड मिस्टर पालखीवाला saw an opportunity through Swamiji's case to challenge a series of constitutional amendments. Constitutional amendments जो है, जो कि इंदिरा गांधी जी द्वारा introduce किए गए थे, उस series में कुछ हो सकता है इस case के तहत. ये जो है उन्होंने पता लगाया था, उन्होंने ऐसा माना था कि कुछ हो सकता है, और इसके basis पर पालखीवाला जी ने केशवानंद भारती जी का case लड़ा था. बड़ा ही unique case है इनका. ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है ये. और अब इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि केस क्या है. देखिए, मैं चाहती हूँ तो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन फिर वो केस आपका क्लियर नहीं होगा. आप इसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि केशवानंद भारती जी का जो केस है वो अपने आप में बहुत फेमस केस है. केशवानंद भारती जी का केरला गवर्नमेंट के साथ में जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको पढ़ेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बेसिकली केशवानंद भारती जी का केस है क्या. ठीक है, और उसके बाद में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये जो पर्सन है केशवानंद भारती जी, जिन्होंने बहुत लैंडमार्क डिसीजन का काम किया था हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर, तो वो संडे को पास अवे हो चुके हैं, मतलब उनका देहांत हो चुका है. तो वी ऑलवेज प्रे फॉर द पर्सन हु डिड अ मेजर रिफॉर्म इन आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ओके, द नेक्स्ट इज कोर्ट्स ड्रिफ्ट एंड चिंक्स इन द जुडिशरीज आर्मर. द पास्ट फोर्टनाइट एन ओपेक मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम. मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम जो है, एंड अ सर्टेन काइंड ऑफ जज आर एफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय जुडिशियल इंडिपेंडेंस. जुडिशियल इंडिपेंडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए मास्टर ऑफ रोस्टर का सिस्टम है, और कुछ काइंड ऑफ जजेस जो हैं ये पर्याप्त है किसी भी तरह का जुडिशियल इंडिपेंडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए. ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है. ठीक है, this past fortnight the scene has seen two significant developments in connection with the Indian judiciary. The first was the decision of the Supreme Court of India in the matter of Prashant Bhushan. Prashant Bhushan ka contempt of case काफ़ी famous raha.
और एंड द सेकेंड वॉज द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस अरुण मिश्रा. अरुण मिश्रा जी का, जस्टिस अरुण मिश्रा जो है उनके रिटायरमेंट से रिलेटेड ये दो लैंडमार्क केसेस इतने अच्छे से सामने आए हैं हमारे सामने. ये हम कह सकते हैं बहुत ही इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया एंड मैग्नीफाई द चिंक्स इन द आर्मर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. मैं ये केस, ये जो मुद्दा है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये मैं आपसे डिस्कस कर नहीं करूँगी यहाँ पे. मैंने आपसे जस्ट शॉर्ट में डिस्कस किया है दोनों ही मुद्दे, चाहे वो अरुण मिश्रा जो है उनके उनका मुद्दा हो और चाहे वो प्रशांत भूषण जी के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का. दोनों मुद्दे काफ़ी फेमस रहे हैं, जुडिशियल सर्विसेज को काफ़ी पॉइंट आउट करते हैं और जुडिशियल सर्विसेज के को जो है पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने इस पूरे जो हम कह सकते हैं जो इसके एडिटर हैं उन्होंने अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त की है. और जुडिशरी सिस्टम जो है और कोर्ट के जो ड्रिफ्ट और चिंग्स की बात बताई है जुडिशियल सिस्टम के, जुडिशरी के अंदर, उस सब को यहाँ पर डिस्कस किया गया है. ठीक है, और दोनों केसेस क्या थे, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या क्या होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस की गई है. जुडिशरी से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यूजुअली जो है कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे. बट यू शुड गो फॉर इट, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके सुप्रीम कोर्ट को लेकर. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ पॉलिसी लेसन इन तमिलनाडुज लैंग्वेज फॉर्मूला. तमिलनाडु के लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर जो पॉलिसी लेसन्स हैं उनकी यहाँ बात की गई है. सी एन अन्ना दुराइज आर्ग्यूमेंट वॉज दैट ऑफिशियल लैंग्वेज शुड बी एक्विडिस्टेंट टू ऑल इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटी. मल्टीलिंगुअल सोसाइटी के अंदर जो है एक्विडिस्टेंट होनी चाहिए. एक्विडिस्टेंट होने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इस तरीके की होनी चाहिए जो कि कॉन्फ्लिक्टेड ना हो. तो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो मुद्दा है या उससे रिलेटेड जो आर्ग्यूमेंट है वो एक्विडिस्टेंट होना चाहिए, और स्पेशली ऐसी जगहों पर, ऐसी सोसाइटी में जो मल्टीलिंगुअल है. ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड मामला रहा है, काफ़ी हम कह सकते हैं कि काफ़ी इश्यूज देखने को मिले हैं. लैंग्वेजेस को लेकर जो फॉर्मूला फॉलो किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो काफ़ी हम कह सकते हैं वेरिएंसेस पर बेस्ड है विद दैट ऑफ दिल्ली फॉर द पास्ट 50 ईयर्स एंड येट अचीव सिग्निफिकेंट पॉजिटिव सोशल एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस. जो जो फॉर्मूला सामने आया है वो सोशल और इकोनॉमिकल चैलेंजेस को जो है दर्शाता है और उससे होने वाले जो ये जो चेंजेस है सोशल और इकोनॉमिकल जो चेंजेस आने वाले हैं और जो चेंजेस अब तक लास्ट 50 इयर्स के अंदर देखे गए हैं उनको कहीं ना कहीं लाइमलाइट में लेकर आता है. ठीक है, दैट मैनी आर ओब्लिवियस ऑफ इट इज़ सरप्राइजिंग. अन्ना दुराई का क्या कहना है, बेसिकली इट वॉज द डिसीजन ऑफ सी एन अन्ना दुराई हु रियलाइज द द्रविडियन मूमेंट्स ड्रीम ऑफ अचीविंग गवर्नमेंटल पावर दैट बियॉन्ड तमिल एंड इंग्लिश इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नो अदर लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ तमिलनाडु ईदर एज अ लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. देखिए बेसिकली जो है लैंग्वेजेस को सिखाने और उसे पढ़ाने की यहाँ पे बात की गई है. जैसा कि एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है लैंग्वेज को का जो मुद्दा है उसे यहाँ पे उठाया गया है. सी एन अन्ना दुराई का जो फोकस है बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर वो तमिल लैंग्वेज, हिंदी को, तमिल और इंग्लिश पर उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है हमें. ऑब्वियसली बात है साउथ इंडिया के अंदर हमने देखा है कि हिंदी लैंग्वेज को जो है थोड़ी सी प्रायोरिटी कम दी जाती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम दी जाती है. तो उसी को देखते हुए जो है वो अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं करते हैं, हिंदी को स्वीकार नहीं करते हैं. उस बेसिस पे इस पर्टिकुलर मुद्दे को यहाँ पर डिस्कस किया गया. तमिलनाडु का जो लैंग्वेज फॉर्मूला है वो एक पॉलिसी लेसन है, उसे यहाँ पर डिस्कस किया गया है. उसे क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्यों है ये मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, या इस मुद्दे का कंक्लूजन क्या है, या अल्टीमेटली जो है हम कह सकते हैं जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो किन किन चीज़ों को हाईलाइट करती है और उससे रिलेटेड
जो लैंग्वेज इम्पैक्ट्स हमें सोसाइटी में क्या क्या देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है। ठीक है, देखिए साउथ इंडिया ऑलरेडी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे या एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वहाँ पे जनरली रीजनल लैंग्वेजेस को तवज्जो दी जाती है, और इसके अलावा अगर ऑफिशियली डील करना है या प्रोफेशनल लेवल पे अगर डील करना है तो वो इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं। उसका रीज़न ये है कि ग्लोबल लेवल की लैंग्वेज है जिसे हर जगह पर ईजिली समझा, सुना और देखा जा सकता है, और इससे जो है इससे कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है, चाहे ग्लोबली आप जाते हैं तो, है ना। तो हिंदी को वो लोग तवज्जो नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि हम लोग अगर हिंदी को तवज्जो देते हैं तो हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हमारी जो हम कह सकते हैं कि जो जो जीन्स में जो लैंग्वेज चल रही है, उन सारी लैंग्वेजेस की महत्वता को ख़त्म करती है हिंदी लैंग्वेज, इसलिए वो लोग हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। और इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो लैंग्वेज सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो उसे यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और लैंग्वेज से रिलेटेड क्या टॉपिक्स को इंसर्ट किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस की गई है। ठीक है, लैंग्वेज का क्या फॉर्मूला है तमिलनाडु का, लेसन पॉलिसी लेसन्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू द मिक्स्ड मैसेजिंग। इंडियाज एफर्ट टू अट्रैक्ट कैपिटल विल नॉट रिजल्ट इन अ फ्लड ऑफ FDI टिल इन्वेस्टर्स सी पॉलिसी स्टेबिलिटी। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी लास्ट वीक इलेबरेटेड पिच्ड इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन दैट कुड सर्व एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब एट द हार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। द पिच मेड एट द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ द गवर्नमेंट्स keenness to use the disruption the COVID-19 pandemic has caused to the cross-border movement of goods as an opportunity to lure potential investors, especially those looking to relocate from China to India. देखिए वो सारे investors जो कि अब तक चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, चाइना के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब जो वो लोग जो इंडिया की तरफ आना चाहते हैं उसको लेकर के यहाँ डिस्कस किया गया है। इंडिया के जो एफर्ट्स हैं अट्रैक्ट कैपिटल विल नॉट रिजल्ट इन अ फ्लड ऑफ FDI टिल इन्वेस्टर्स सी पॉलिसी स्टेबिलिटी। अगर इन्वेस्टर्स पॉलिसी इन्वेस्ट जो स्टेबिलिटी है उसको नहीं देखते हैं, जब तक कि उनकी नज़र उस पर नहीं पड़ती, जब तक वो उसको लेकर कंसनट्रेटेड नहीं होते, तब तक जो है इसके रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। ठीक है, तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने काफ़ी पिच पे जो है इंडिया को इलेबरेट किया था लास्ट वीक एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे बताया है। इवन निर्मला सीतारमण जी जो कि फिनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अपनी स्पीच रिसेंट स्पीचेस के अंदर इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट हब के तौर पे बताया है और दूसरे देशों को इन्वेस्ट करने की पॉलिसीज पर जो है बल दिया है। तो जहां हम अपने ही देश को ये सिखाते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट बाहरी देशों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और खुद के लेवल पे हम खुद को ग्रो करने की कोशिश करेंगे उस लेवल पे, और जब तक हमारे देश में खुद में स्टेबिलिटी नहीं बनेगी तब तक बाहरी देश जो है वो हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। तो वी हैव टू वर्क ऑन आर ओन प्रोसीजर्स अब आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वी हैव टू गो थ्रू आर ओन यू नो द वर्क ऑफ द वे ऑफ वर्क एंड द वे ऑफ डीलिंग विथ फॉरन इन्वेस्टर्स एंड वी हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स, वी हैव टू वर्क गो थ्रू द FDIs एंड FDI रिजल्ट ऑफ FDIs एंड हाउ एंड विच टाइप ऑफ कस्टमर्स आर सूटेबल फॉर आर इन्वेस्टमेंट्स। सो ऑल दीज थिंग्स आर हेयर, और इस पूरे आर्टिकल के अंदर यही चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि FDI को अट्रैक्ट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसी ज़रूरत है, उससे कैसी उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टर्स किस बेसिस पे यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है उसकी FDI से अट्रैक्ट होंगे, और किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को है इन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई। ग्लोबल लेवल पे ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस किया गया है कि उसकी स्टेबिलिटी, उसकी पॉलिसी स्टेबिलिटी, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके क्या प्रभाव हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो किस चीज़ों से प्रभावित करते हैं इन्वेस्टर्स को, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं। तो पर्टिकुलरली इसके अंदर जो है एक मिक्स्ड मैसेजिंग को शो किया गया है, इंडिया के एफर्ट्स को शो किया गया है
कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, और उससे जो है कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा जब तक कि FDIs तब जनरेट होगी तब जब तक कि इन्वेस्टर्स खुद जो है पॉलिसी स्टेबिलिटी को नहीं देखेंगे। तो पॉलिसी स्टेबिलिटी को लेकर के यहाँ पे उसे उस पर बल दिया गया है, उससे होने वाले इन्फ्लुएंस जो है इन्वेस्टर्स के ऊपर उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। एंड द नेक्स्ट इज टू क्लोज टू कम्फर्ट, इंडिया एंड चाइना मस्ट लूज नो टाइम इन फाइंडिंग अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन टू देयर बॉर्डर डिस्प्यूट। जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और उसके लिए अब जल्दी से डिप्लोमेटिक सोल्यूशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, इवन उसका टाइम भी नहीं बचा है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, फॉलोइंग फ्राइडे स्टॉक्स, फ्राइडे को जो टॉक हुई मॉस्को के अंदर बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चाइना, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एन इमिनेंट डिप्लोमेटिक सोल्यूशन टू द कंटिन्यूइंग स्टैंड ऑफ अलोंग द LAC डू नॉट अपीयर ब्राइट। हमें LAC से रिलेटेड जो भी मुद्दा है उस पर जो वार्तालाप मॉस्को में हुई उससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट नज़र आया हमें बॉर्डर को लेकर, जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उन सब को लेकर, वो किसी भी लेवल पे क्लीनेस्ट जो है हम कह सकते हैं नहीं नज़र आया है, ब्राइट इफेक्ट नहीं नज़र आया है। हम ये नहीं कह सकते कि इन वार्तालाप से कोई फ़ायदा होने वाला है या इन वार्तालाप का जो फ़ायदा है वो हमें नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो वार्तालाप हुई है वो बहुत अच्छी नहीं रही और ना ही बहुत प्रभावी ढंग से उसे प्रस्तुत किया गया और प्रभावशाली नहीं रही बेसिकली। और जो इशू जितने दिनों से LAC के ऊपर चल रहा है, जो चाइना डिस्प्यूट क्रिएट किए जा रही है और उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट ऑलरेडी हम लोग डील कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, मई से स्टार्ट हो चुका था, 5th of May से ये सारी चीज़ें, तब से अब तक कंटिन्यू डिस्प्यूट चला रहा है, कंटिन्यू जो है ये मुद्दा चला आ रहा है, कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है, हमें डील करनी पड़ रही है, हमारे सोल्जर्स को डील करनी पड़ रही है चाइनीज ट्रूप से, और वो दिन ब दिन एंगेजमेंट बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अल्टीमेटली हम कह सकते हैं वी आर नॉट दैट मच यू नो वी आर नॉट दैट मच सेटिस्फाइड विद द टॉक्स दैट हैपन्स इन मॉस्को इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सो समवेयर दे नीड टू वर्क ऑन अदर पॉलिसी, वी नीड टू वर्क ऑन अदर क्राइटेरियाज एंड पॉलिसी, सो दैट ये सारी कंडीशंस को क्लियर किया जा सके, ये सारी कंडीशंस को काम डाउन किया जा सके। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बताया लास्ट वीक कि डिप्लोमेसी इज़ द ओनली वे आउट ऑफ द क्राइसिस, क्राइसिस अगर क्राइसिस से बाहर आना है तो डिप्लोमेसी एक सबसे और अंतिम ऑप्शन बचा है, एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ बोथ साइड्स अंडरस्टैंड दैट इट इज़ इन ईच ऑफ देयर बेस्ट इंटरेस्ट इफ द इवेंट्स ऑफ देयर ऑफ या इवेंट्स ऑफ दिस समर आर नॉट रिपीटेड। The problem so far has been a stark mismatch between China's statement and the actions of its troops. Its consistent labeling of India as the aggressor this summer contradicts the reality that India has since May ceded about 1,000 square kilometers in Ladakh to Chinese control. If China's diplomats have spoken repeatedly to the need to keep in mind the big picture is come out of bilateral ties. So all these things shows that all these discussions shows that somewhere the relation between India and China are not going good. And for that we have to work diplomatically. Diplomacy is the only way to create the peace in between both the countries. Okay, so Wang Yi, okay. According to the conclusion, we can say that military talks can occasionally help to avert a flare-up, but the two neighbors need to work towards the diplomatic solution. देखिए already हम military talks तो एक secondary matter है, भाई military talks जो है वो पिछले कई महीनों से चला आ रहा है और कई बार दोनों के बीच होंगे, लेकिन ये ultimate solution नहीं, जब तक diplomatically work नहीं किया जाएगा तब तक दोनों के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है। दोनों सरकारों को बात करनी होगी, दोनों सरकारों को डिसीजंस लेने होंगे कि जो ये सब चल रहा है उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है, अदरवाइज देयर विल बी नो सोल्यूशन एट ऑल एंड अल्टीमेटली फाइट, या हम कह सकते हैं कि एक बहुत गर्माए हुए तरीके से हमें इस मुद्दे को सॉल्व करना हो, इससे बेटर है कि हम डिप्लोमेटिकली इस पूरे मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है,
आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं. कोई भी इशू है, कोई डाउट है, कोई कंक्लूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और जल्दी ही आप बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि जल्दी ही हम बहुत कुछ नया और क्रिस्पी लेकर आने वाले हैं. एनालिसिस को थोड़ा सा जो है हम कह सकते हैं इसका फॉर्मेशन चेंज किया जा रहा है और कुछ अट्रैक्टिव बनाया जाएगा जिससे कि आपको भी चीज़ों को समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके, सो डोंट गेट सो लाइक कि हम इतने सारे आर्टिकल्स एंड ऑल, क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे. देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो ये वाला पोर्शन है जिसे हमने FCRA क्लियरेंस की बात कही, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो टाइप्स हैं इंटरनेशनल टाइप्स उनको शो करता है. हमारे जो NGOs हैं वो जिस किस तरीके से वर्क करते हैं, फॉरेन डोनर्स के से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है, हमारे उस विजन को क्लियर करता है जो कि इन सारी चीज़ों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और डोनर्स डोनेशंस इन सब पर बेस्ड हैं. ठीक है, इसके अलावा जो DGCA है, DGCA मूड्स फार्मूला जो बताया गया है कैंसल्ड फ्लाइट्स को लेकर, जो ये राइट्स की ह्यूमन राइट्स की बात कही गई है, नॉर्मल राइट्स हैं ये ह्यूमंस के, कि अगर आपने कोई फ्लाइट बुक करवाई और फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, सो यू नीड फुल रिफंड एंड डेफिनेटली इट इज़ योर राइट. ओके, सो उसे यहाँ पे दर्शाया गया है. नेक्स्ट हमने देखा कि अफगान पीस प्रोसेस जो है, अफगान पीस अकॉर्ड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पे, सो ये तो आपको करना ही है क्लियर. केशवानंद भारती जी का जो केस है वो आपके पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड है. पॉलिटी के अंदर केशवानंद भारती जी का केस बहुत फेमस है, लैंडमार्क केस है, इसलिए आप इसको ज़रूर 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 पढ़ेंगे. ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि केशवानंद भारती जी का केस था क्या. ठीक है, इसीलिए हमने इसको यहाँ डिस्कस किया है कि उनके जले जाने की जो है उसके मेमोरीज के अंदर हम उनके लैंडमार्क केस को, डिसीजन को, उनके प्रयासों को याद किया है हमने यहाँ पे. ठीक है, इसके अलावा जुडिशरी आर्मर को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. तो या बेसिकली दिस आर्टिकल इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट हमने फिर भी इसे यहाँ डिस्कस कर लिया है क्योंकि एडिटोरियल का एक पार्ट है. इसके अलावा तमिलनाडु का जो लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया. जो रिसेंट एजुकेशन पॉलिसी है उसके थ्रू जो जो लैंग्वेज फॉर्मूला सामने आया है उसे हमने यहाँ डिस्कस किया, और लैंग्वेजेस को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी देश में कई सालों से चले आ रहे हैं उसको यहाँ पे डिस्कस किया. वो सारा फॉर्मूला जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कैरी करता है. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमने मिक्स्ड मैसेजिंग को डिस्कस किया, मतलब कि FDI और जो हम कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको यहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके क्या इम्पैक्ट हैं और कैसे उसे बढ़ाया जा सकता है, उसके अभी क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस आर्टिकल में डिस्कस की है. नेक्स्ट हमने टू क्लोज टू कम्फर्ट, इट मीन्स इंडिया और चाइना के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो क्रिस्पी रिलेशन हो रखे हैं अभी, उनको डिप्लोमेटिकली कैसे सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशंस क्या है अल्टीमेटली, क्योंकि मिलिट्री टॉक्स के थ्रू जो है कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हमने डिस्कस किया. ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ आपको लगा है कि जो है ये टॉपिक भी डिस्कस करना चाहिए था या ये इम्पॉर्टेंट है या इस मुद्दे को डिस्कस करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. हम लोग डेफिनेटली सेपरेटली उसके लिए वीडियो बना के मैं आपसे डिस्कस करूँगी और उसके ऊपर कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग. ठीक है, बस बने रहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.